भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित स्विमिंग पूल में जिला तैराकी संघ के तत्वाधान में भागलपुर में पहली बार तैराकों के लिए तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कोसी स्नातक क्षेत्र के एमएलसी डॉक्टर एनके यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया। प्रतियोगिता के आयोजन में जीवन जागृति सोसाइटी ने सह आयोजक की भूमिका निभाई। वहीं आयोजन के सूत्रधार शहर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ एवं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह थे। भागलपुर तैराकी संघ के सचिव दीपक ने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह संरक्षक के रूप में आए और तकनीकी पहलू को छोड़ अन्य सारे बिंदुओं की कमान संभाली। वहीं प्रदेश तैराकी संघ के सचिव ने कहा कि इस आयोजन में डॉक्टर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका के अलावा स्विमिंग पूल संचालक का भी सहयोग महत्वपूर्ण है। मौके पर अजय सिंह ने कहा कि हमारी सोसाइटी का लक्ष्य है कि तैराकी संघ के साथ मिलकर अंग क्षेत्र से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के तैराक को आगे लाएंगे। प्रतियोगिता में 12 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के ऊपर तक के लगभग 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं प्रतियोगिता के उद्घाटन एवं पुरस्कार वितरण में उदा किशनगंज के एसडीओ जेड हसन, डॉक्टर संजय सिंह, नसर आलम, प्रोफेसर जयशंकर ठाकुर, अभिमन्यु प्रसाद सिंह, ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह, जदयू नेता शिशुपाल भारती, जयप्रकाश यादव समेत कई लोग मौजूद थे। पहली बार तो इसीलिए हो पाया है कि यहाँ स्विमिंग पूल जो है पहली बार, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल है, तो स्मार्ट सिटी के द्वारा एक अच्छा अचीवमेंट है। और भागलपुर तैराकी संघ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें पहचाना और हमें कहा कि इसमें थोड़ा सा आगे बढ़िए, और हम लोग अभी संगठित रूप से अभी मजबूत नहीं है। ऐसे संघ कई वर्षों से यहाँ है, जैसा डॉक्टर संजय सर ने कहा, तो काफ़ी 15 दिनों से हम लोग लगे हुए थे और दूर देहात के बच्चे इसमें काफ़ी आए हैं। चूँकि हमारा सामाजिक संगठन है जीवन जागृति सोसाइटी के तहत हम लोगों ने मदद किया है। आयोजक तो तैराकी संघ भागलपुर ही है, और इस तरह से हम लोग तो गंगा किनारे गांव है, यहाँ से कहलगांव और सुल्तानगंज तक हम लोगों ने सारे तरह प्रचारित किया, लोगों को भेजा और वहाँ से लोगों को बुलाया। ये एक हम शुक्रगुजार हैं कि ये पहली बार भागलपुर में जो तैराकी का प्रतियोगिता हो रहा है, ये एक शुरुआत है, ये सूत्रपात है, और उम्मीद करते हैं कि ये हर साल होगा। और जो गंगा किनारे जो लोग बसे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे बसे हैं, उनका खेल का मैदान ही गंगा है, और उसमें स्टेमिना की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन उसको उचित न्यूट्रिशन, उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की जरूरत है। और ये मार्गदर्शन जब सब मिलकर हम लोग शहरवासी हम लोग इसमें बढ़ाएंगे, तो ये क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या अन्य खेलों के से ज़्यादा ये विस्तार करेगा, क्योंकि ये देहाती क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित होगा और वहाँ के बच्चे काफ़ी आगे आएंगे। मैं आज जो भी हमारे यहाँ आए हैं डॉक्टर एन के यादव सर, संजय सर और तमाम, जयप्रकाश जी का बहुत योगदान है, खेल संघ के सारे लोगों का बहुत योगदान है इसमें, इसको प्रचारित करने में, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से ये सफल हो रहा है। धन्यवाद। यहाँ के युवा जिस तरह से अन्य खेलों में भाग लेते हैं और राज्य स्तर पर, देश के स्तर पर अपना नाम करते हैं, हम आशा करते हैं कि तैराकी में भी ये लोग काफ़ी अच्छा करेंगे, क्योंकि भागलपुर का क्षेत्र है, गंगा किनारे है, यहाँ स्वाभाविक रूप से लोग तैरना सीख जाते हैं। तैरने के लिए यहाँ किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग अगर तैराकी को एक खेल का अवसर बना लें तो हम समझते हैं कि ये देश के लेवल पर भी भागलपुर के लोगों का नाम होगा। तो दूसरा बात है, जीवन में जिस तरह से व्यायाम का उतना ही आवश्यकता है जितना कि भोजन का आवश्यकता है, तैराकी एक तरह का संपूर्ण व्यायाम, इससे सारी मांसपेशियां शरीर की एक्टिव हो जाती हैं। तो अगर तैराकी को हम लोग जीवन में अपना लें, खास करके जिस तरह से हम लोग सैंडिस कंपाउंड में कई मील दौड़ते अपना स्वास्थ्य ठीक करते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी तैराकी करना सीखने का।
भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी रोड में प्रतिष्ठित दवा दुकान आत्माराम मेडिकल स्टोर्स के संचालक बलराम केडिया के 22 वर्षीय पुत्र रौनक केडिया की अज्ञात अपराधियों ने 7 जुलाई की रात गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं मर्डर के 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। पुलिस शनि मंदिर गली से लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी रोड के दर्जन भर से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच कर चुकी है। डीआईयू की स्पेशल टीम भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, जबकि एसआईटी का नेतृत्व कर रहे सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी हर एंगल से हत्यारों को दबोचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पूरे मामले पर पुलिस मुख्यालय समेत भागलपुर के रेंज डीआईजी विवेकानंद और एसएसपी आनंद कुमार भी नजर बनाए हुए हैं। इधर खानकाए पीर दमड़िया के सज्जादा नसी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने दवा व्यवसायी बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि शहर के बीचों बीच खुलेआम इस तरह की घटना को अंजाम देना अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल को दर्शाता है। सज्जादा नसी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। ये बहुत ही दुखद है कि एक नौजवान रोशन केडिया जिनकी हत्या कर दी गई है, ये उनके परिवार के लिए बहुत दुख की बात है और हम सब भागलपुर के वासी होने के नाते उनके दुख में हर तरह से शरीक हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि घर वालों को शांति दे, सुकून दे और प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द इस कांड का उद्भेदन हो और जो मुजरिम हैं उनको गिरफ्त में ले करके जो भी बड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि जो लोग जराइम की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनके हौसले पस्त हो सकें और वो कोई जुर्म करने की हिम्मत ना कर सकें। भागलपुर बरारी स्थित नीलकंठ पिपली धाम पश्चिम टोला में करीब 15 वर्ष पूर्व निर्मित गहरे नाला में ढक्कन नहीं होने के कारण लगातार पशु गिर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नाले में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा पशु गिर चुके हैं, साथ ही अक्सर मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे भी नाले में गिरकर घायल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या के निवारण के लिए कई बार पत्र लिखकर वार्ड नंबर 28 के पार्षद, मेयर और भागलपुर के विधायक को अवगत कराया गया है, लेकिन इसका आज तक समाधान नहीं निकल सका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भागलपुर खानकाए पीर दमड़िया शाह के सज्जादा नसी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है, साथ ही सज्जादा नसी ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों को हर संभव सुरक्षा मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार से आग्रह है कि वहाँ के हिंदुओं को भारत में शरण देकर यहाँ की नागरिकता दें। देखिए, अत्याचार कभी भी कहीं भी किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अत्याचार कहीं भी होता है तो सबसे पहले जो लोग इंसानियत का दर्द रखते हैं, अपने वतन से प्रेम करते हैं और इन मानवता से प्रेम रखते हैं, उनको चाहिए कि वो जहाँ कहीं भी इस तरह का कोई वाकया होता है उसका खंडन करें और उसके खिलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। हम खानकाह पीर दमड़िया शाह की तरफ से जो भी हमारे अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के भाई जिन पर हाल में बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हुआ और उनके हकूक़ को दबाया गया, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं और इसकी पूरी निंदा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अगर ये आवाज़ बांग्लादेश हुकूमत के ज़िम्मेदारों तक पहुँचे तो उनसे भी ये आह्वान करते हैं, उम्मीद रखते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप अपने देश में, मुल्क में अकलियतों का ऐसे ख्याल रखिए जैसे आप अपने
घर में अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। और मोदी जी से भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वहाँ से अगर कोई परेशान होकर हिंदुस्तान आना चाहता है, भारत में पनाह लेना चाहता है, तो उसको हर सुविधा प्रोवाइड की जाए, उनका भरपूर ख्याल रखा जाए। और जो लोग नफ़रत की बात कर रहे हैं और हिंसा के बदले यहाँ भी हिंसा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को पूरी निगाह रखनी चाहिए। ये देश हमेशा मोहब्बत से आगे बढ़ा है, आगे बढ़ेगा और दुनिया में नाम कर सकेगा। अगर यहाँ नफ़रत आम हुई तो ज़ाहिर है कि इससे देश का नुकसान होगा, देशवासियों का नुकसान होगा। लिहाजा आइए प्रेम करें, प्रेम बांटें, प्रेम के साथ रहें और हर एक मज़लूम की मदद करें। भागलपुर मुगलपुरा हुसैनाबाद स्थित हजरत शाह हसन पीर बासफा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक 20 और 21 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसको लेकर आज दरगाह परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सदर शेर खान ने किया। बैठक में जानकारी दी गई कि 85वां उर्स के मौके पर जलसा एवं महफिले समा का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं बरसात को देखते हुए मेला मैदान में वाटर प्रूफ पंडाल लगाया जा रहा है, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर हाई क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा व्यापक स्तर पर लगाने की तैयारी है। बैठक में उर्स कमेटी के अध्यक्ष शेर खान, सचिव सऊद आलम, कार्यालय सचिव बिलाल हुसैन और कोषाध्यक्ष जाहिद ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कमेटी के सदस्य काफी सक्रिय हैं। जानकारी दी गई कि 20 अगस्त को ईशा की नमाज के बाद जलसा का आयोजन किया जाएगा, जबकि 21 को महफिले समा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कर्नाटक के कव्वाल हाजी मुराद आतिश और दिल्ली के कव्वाल आमिल आरिफ साबरी नातिया कलाम पेश करेंगे। आज की बैठक में मुजाबिर मोतियुर रहमान, मोहम्मद राहिद, मौलाना फरीदुज्जमा, मोहम्मद जफर, एसटी हुसैन अफसार, शमशेर आलम, शाहिद आलम, जाहिद आलम, बिलाल हुसैन, नौसाद अंजुम, इरशाद अंजुम, साबिर मंजूल, मुराद समेत कई लोग मौजूद थे। मोहल्ला मुगलपुरा में एक शानदार प्रोग्राम होने वाला है, जो कि 20 को उर्स है और 21 को कवाली का प्रोग्राम है। बेंगलोर कर्नाटक से मुराद आतिश साहब आ रहे हैं और दिल्ली से आमिर आरिफ साबरी कवाल वो आ रहे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील करेंगे कि वो आए हमारे इलाके में, और आज से नहीं 50वीं साल आपकी होने वाला उर्स है, होने जा रहा है, आप लोग बेखौफ आए, उसके लिए हम आपके लिए इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं और एकदम वेलकम दिल से ही खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। देखिए उर्स को लेकर तैयारियां हम लोग जोरों पर हैं, आप जैसा देख रहे हैं कि हमारे सारे कार्यकर्तागण बैठक में बैठे हुए हैं और हम लोग सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। और जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे लिए शासन प्रशासन का है, तो हम लोगों ने थाना प्रभारी से होते हुए एसपी डीएम सभी को हम लोगों ने आवेदन दे दिया है, ताकि वो हमारे इस प्रोग्राम के करने के लिए, जो हम लोग इस बार हर साल की तरह इस साल लगातार 85 सालों से हम लोग ये प्रोग्राम करवा रहे हैं और ये 85वां साल है इस प्रोग्राम का, और इस साल भी हम लोग पूरे जोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ उर्स का प्रोग्राम 20 तारीख को और 21 अगस्त को कव्वाली का प्रोग्राम है। आप जैसा देख रहे हैं कि हम लोगों का इश्तिहार भी हर जगह, हर दीवारों पर चस्पा हो चुका है और सोशल मीडिया के द्वारा भी हम लोग सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि देखिए प्रोग्राम हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और आप तमाम आने वाले लोगों की सुरक्षा का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भागलपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए लगभग 85 साल से ये प्रोग्राम हो रहा है और आज तक सफल हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें सभी मज़हब के लोग यहाँ सहयोग करते हैं और ये पूरा प्रोग्राम जो है चंदा पर निर्भर है, जो कि हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता एक एक घर में जाते हैं और वहाँ से लोगों से मदद मांगते हैं और इस प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। दूसरी बात, आपका सवाल ये था कि बारिश का मौसम है और लगातार बारिश हमेशा होते जा रहा है, जिससे लोगों को ये भय है कि प्रोग्राम कैसा होगा, नहीं होगा, हाँ होगा, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कमेटी ने ये इंतज़ाम किया है कि वाटर प्रूफ पंडाल बनाया जा रहा है, उसके बाद मैदान को पूरा छाए डाल करके उसको सुखा दिया गया ताकि बारिश अगर हो भी
तो गंदगी नहीं होगा। मैं शहर से ये अपील करता हूं कि आप लोग जिस तरह से 85 साल से इस प्रोग्राम में आ रहे हैं वैसे आते रहें। सारा इंतज़ाम किया गया है, शासन प्रशासन और जो इलाके के लोग हैं सभी मजहब के लोग यहां आते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी वो आएंगे और भरपूर हम लोगों का सहयोग करेंगे। साफ सफाई की क्या व्यवस्थाएं? ये सब हमारे वार्ड काउंसलर शेर खां ये सब साफ सफाइयत में सबसे आगे हैं और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करवाते हैं। सदर भी हैं वो और वार्ड पार्षद पति भी हैं और ये गली कुचा ये जितने भी साफ सफाई का काम है वो अच्छे से करवाते हैं और उनका पूरा सहयोग रहता है। हर चीज़ मेले मैदान में पूरे हर जगह से राविश वगैरह मिट्टी वगैरह भरवा करके वो एकदम चमन बना देते हैं। बनाने के बाद मेहनत भी करते हैं, पानी अगर आ गया तो वो अपने हाथ से पानी को भी बाहर फेंकते हैं, इतना मेहनत करते हैं। उस पे क्या अपील करेंगे भागलपुर के लोगों से? अपील यही करें कि सब खुशी से आवे यहाँ, अच्छा अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। उर्स 20 तारीख को उर्स है, 2100 कवाली का प्रोग्राम। भागलपुर में आस्कार्प एनजीओ द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन हबीबपुर स्थित एक स्कूल में किया गया जिसमें कुल 16 बच्चों ने प्रतिभागी के रूप में भाग लिया। वहीं सभी बच्चों में दो दो बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया जिन्हें नदियों के नाम से चिन्हित किया गया। सिंधु ग्रुप में मोहम्मद इमरोज एवं मंतसा, सतलुज ग्रुप में अभिषेक कुमार, सनाया सलीम, झेलम ग्रुप में मोहम्मद आयान एवं आसमा, ब्रह्मपुत्र ग्रुप में लक्ष्मी कुमारी, इरम कौसिन, यमुना ग्रुप में कृष्ण कुमार एवं काजल कुमारी, दामोदर में प्रियांशु कुमार एवं सिमरन, गंगा ग्रुप में मोहम्मद दिलसाद और मेहर फातिमा, कोसी ग्रुप में अस्मीन एवं आयशा परवीन ने प्रतिभागी के रूप में भाग लिया। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर ब्रह्मपुत्र ग्रुप की लक्ष्मी कुमारी एवं इरम कुमार कौशिक रहे जबकि कोसी ग्रुप के हाशमी एवं आशा परवीन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर सतलज के अभिषेक कुमार एवं सनाया सलीम रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हबीबपुर थाना के थानाध्यक्ष पंकज कुमार मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाया। निर्णायक की भूमिका में अधिवक्ता मकबूल हसन, हाफिज आफताब अनवर, जसीमुद्दीन बरसी थे। मंच संचालन आस्कार्प एनजीओ के सचिव अल्तमस बिहारी ने किया। मौके पर संस्था की ओर से सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार दिया गया। साथ ही दर्शक दीर्घा से आए हुए उत्तर के लिए उन्हें भी सम्मानित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन मोहम्मद शहनवाज आलम ने किया। भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध दवा कारोबारी न्यू आत्माराम के संचालक बलराम केडिया के 22 वर्षीय पुत्र रौनक केडिया की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी जिसको लेकर अब रामविलास की लोक जनशक्ति पार्टी ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने कहा कि यहाँ का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन नाकाम है। देखिए ये तो काफ़ी चिंतन का विषय है जो दवा व्यवसायी की जिस तरह से हत्या की गई। निश्चित रूपेण अपराधी बेलगाम हो गए हैं और हम बिहार सरकार से, हम अपनी सरकार से मांग करते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द उस गिरफ्तार करें और निश्चित रूपेण एक कड़े शासन और प्रशासन के साथ उससे निपटें। जो ये आए काल इस तरह की हत्या जो भागलपुर में हुई है, इस तरह की निर्मम हत्या ना हो, इसके लिए हम प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं। देखिए अपराध बढ़ा है, इसमें कहीं कोई मिथ्या नहीं है। अपराध को बढ़ना बहुत ही जो है बिहार प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी प्रदेश के लिए अच्छा नहीं होगा। हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जो DM साहब हैं, SP साहब हैं, उसे मांग करना चाहेंगे कि आप निश्चित रूप में भागलपुर में सख्ती बरतने का काम करें। आपको सारी आज़ादी सरकार की तरफ से है, पता नहीं आपकी क्यों नहीं जो है एक्शन मोड में आ रहे हैं। हम आप लोग से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप एक्शन मोड में आएं और जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ पकड़ के अंदर करें और भागलपुर की जो दशा खराब हो रही है, निश्चित रूप से आप लोग पहल करेंगे तो इसकी दिशा दोनों सुधर जाएगी। देखिए ये तो पुलिस की नाकामी है। अगर 72 घंटा हो जाता है, अगर पुलिस चाले तो मंदिर के आगे से चप्पल भी चोरी ना हो,
लेकिन यहाँ पर हत्या हुई है। निश्चित रूप से हम जो है एसपी साहब से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जो है एक्शन में आइए और उस अपराधी को पकड़ के हर लोगों के यहाँ पे पूरा भागलपुर रोया उस दिन। ऐसा नहीं है कि कोई एक दवा व्यवसायी की हत्या हुई और लोग जो है पूरा भागलपुर रोया। कोई भी व्यक्ति जिस तरह से उसकी निर्मम हत्या की गई, आंख में गोली मारना, सिर में गोली मारना, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। टॉर्च जला के देखना, मतलब समझिए कि आपको उसको कितना समय मिला हत्या के लिए। बेखौफ हो गए अपराधी। हम एसपी साहब से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप एक्शन में आइए और जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ के जेल में दीजिए। देखिए, अगर 72 घंटा हो गया है, आपको ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि अगर और 36 घंटा नहीं होता है तो हम लोग अपने ही सरकार के खिलाफ निश्चित रूप से यहाँ के एसपी और डीएम के खिलाफ हम लोग धरना देने का काम करेंगे। अमर सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष लोजपा रामविलास। कार्यकर्ता सम्मान समारोह बैठक थी जो कि पूरे जिले से जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, बूथ स्तर तक और सभी बड़े पदाधिकारी से छोटे पदाधिकारी तक आए हुए और सभी को लगभग 100 कार्यकर्ता पदाधिकारी सबको प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किए। और हम लोग आगामी विधानसभा की तैयारी के लिए चर्चाएं की। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में 243 सीट पर जो चुनाव लड़ेंगे एनडीए गठबंधन, हम लोग पूरे 243 सीट पर तैयारी रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। शिफ्ट करना हो या ऑफिस रिलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, फॉर बुकिंग्स कॉल 8298181018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkueledbulb@gmail.com। हमारा पता असानंदपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
रहे राजनीतिक बयानबाजी के बीच भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आज भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 15 अगस्त को आप सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं। इस दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को घेरते नजर आए। मुख्यमंत्री आवास से किसी को भी अपहरण के रंगदारी नहीं मांगी जाएगी। उनको यह विश्वास दिलाना चाहिए कि कानून व्यवस्था में जो उनके परिवार ने का हाथ था वह घटनाएं नहीं होंगी। उनको यह विश्वास दिलाना चाहिए कि दुनिया का उनके जमाने में अद्भुत सड़कें थी कि नेशनल हाईवे तक में ईंटे की सोलिंग से गड्ढे भरे जाते थे और पूरे बिहार में एक भी सड़क नहीं थी, यह उनको विश्वास दिलाना चाहिए। उनको यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वह अपने गाय का दूध दुहने वाले से 5 करोड़ की जमीन नहीं दिखाएंगे, नहीं खरीदेंगे या गिफ्ट में लेंगे। उनको यह भी विश्वास दिलाना चाहिए कि इस जनता को हम यह फॉर्मूला बताएंगे कि कैसे 4.5 लाख में दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ की जमीन खरीदी जा सकती है, 3 मंजिला मकान खरीदा जा सकता। अगर यह फॉर्मूला बिहार की जनता को वह बता देंगे तो बिहार का हर युवा 4.5 लाख इकट्ठा करके 150 करोड़ का मालिक हो जाएगा दिल्ली में, और वह लाखों रुपए तो किराया। चेहल्लूम को लेकर भागलपुर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक आज शाहजंगी ईदगाह में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर फारूक अली ने की। कमेटी के मीडिया प्रभारी मोहम्मद तकी अहमद जावेद ने बताया कि चेहल्लूम की तैयारी को लेकर बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी मोहल्ले के खलीफा अध्यक्ष एवं सचिव मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में चेहल्लूम मनाया जाएगा। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक में डॉक्टर मजहर अख्तर शकील, महबूब आलम, प्रोफेसर एजाज अली रोज, इमामपुर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद रिंकू, समाज सेवी रिजवान खान, मिंटू कलाकार जीनी हमीदी समेत कई लोग मौजूद रहे। मैं फारूक अली सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का संयोजक हूँ, और आपको मालूम है कि मुहर्रम के बाद 40वां होता है 40 दिन पर, और ये 40वां का जो तारीख है वो पूरे बिहार में 26 को है, लेकिन भागलपुर में 27 को होगा। इसलिए कि 26 को सिया बंधुओं का अलम जुलूस निकलेगा और 27 को मुहर्रम का जो अखाड़ा जुलूस निकलेगा, जो दिन में किला घाट और शाम में शाहजंगी आएगा। उसके पहले 25 तारीख को बराड़ी में सिया बंधुओं का शाम में 6 बजे अखाड़ा निकलेगा। बैठक सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का आज रखा गया है ईदगाह ग्राउंड में, और मुहर्रम में का जो गुजरने के क्रम में जितनी अखाड़ा गुजरी है, किस किस तरह से अखाड़ा आई है, उसका एक समीक्षा बैठक है। और आने वाला जो 40वां जो है 26 अगस्त को होने वाला है, उसको भी कैसे मनाया जाएगा और उसको भी शांतिपूर्ण तरीके से कैसे पूरा किया जाएगा, पूरा भागलपुर में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाने के लिए एक सेंट्रल मुहर्रम कमेटी आज एक बैठक रखी है कि जो मुहर्रम में कमियां रह गई है वो कमी ना हो। और हम लोगों के यहाँ पर लोगों ने कहा है कि सफाई की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, सजंगी के चारों ओर बैरिकेडिंग की व्यवस्था और सारे समस्याओं को हम लोगों ने विस्तार से सुना है। और आप जानते हैं कि चेहल्लूम में लगातार हम लोग चेहल्लूम के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए मैंने 18 तारीख को मुस्लिम हाई स्कूल में 3 बजे बैठक भी बुलाई है, ताकि अगर जो समस्या छूट जाएगा उसको फिर हम लोग उसको शामिल करेंगे। देखिए, इस बैठक का खास मैसेज ये है कि भागलपुर एक ऐसा शहर है जहाँ सिया सुन्नी दोनों समुदाय के लोग आपस में मिलजुल के मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम में सिया समुदाय का जुलूस 11 मुहर्रम को निकलता है और सुन्नी समुदाय का जुलूस जो है 10 मुहर्रम को निकलता है, जो आपसी सौहार्द को बनाकर निकाला जाता है, कहीं कोई मामला नहीं होता है।